सुशांत सिंह राजपूत केस में जो रिया की ट्रांसफर प्ली थी उस पर महाराष्ट्र सरकार ने जो रिप्लाई फाइल किया है वो वाकई में काफी चौंकाने वाला है। उस पूरे एफिडेविट में महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार है, खासकर पिता की, सारी स्टेटमेंट को झूठा बताया है। इतना ही नहीं, सीबीआई जांच को उन्होंने कहा है कि हो ही नहीं सकती है, उसका भी अपोज किया है। बिहार सरकार पर भी सवाल उठाए हैं, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के एफिडेविट में हर चीज़ की आलोचना की गई है और सभी पार्टीज को अटैक किया गया है। इस पर अब बीजेपी नेता जो हैं वो भड़की हैं। क्या कहना है उनका, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पाप को बताऊंगी। श्वेता शालिनी जो कि बीजेपी की स्पोक पर्सन है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो ये रिप्लाई फाइल किया गया है वो एकदम, जिसे कहते हैं नास्टी, बहुत ही घटिया किया हुआ रिप्लाई है जो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। वो जो है सिर्फ एक 74 ईयर पिता को, वृद्ध को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब उनके पिता ने फरवरी में ही ये सारी चीज़ें बता दी थी, सब कुछ बता दिया था, उसके बाद आपने एक्शन नहीं लिया, चलिए तब नहीं लिया, लेकिन सुशांत के निधन के बाद पिता ने 40 दिन इंतज़ार किया है, तब भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, उसके बाद उन्होंने पटना में जाकर FIR दर्ज की है, ऐसे में आप जो है इस तरह का रिप्लाई या इस तरह का एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट में कैसे फाइल कर सकते हैं। तो जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एफिडेविट फाइल किया गया है, जो कि उनके लॉयर सचिन पाटिल ने फाइल किया है, उसमें बहुत सारी ऐसी चौंकाने वाली चीज़ें हैं। मैंने कल आपको बताया कि किस तरह से उसमें ये कहा गया है कि जो इनिशियल स्टेटमेंट थी सुशांत सिंह राजपूत के पिता की या उनके करीबी लोगों की, उसमें उन पर किसी पर शक नहीं था, और बाद में इम्प्रूव्ड स्टेटमेंट जो है बहुत सारे चेंजेस के साथ, कॉन्शियस चेंजेस करके जो है उसमें दी गई है, और वो पूरी स्टेटमेंट जो है झूठी है, क्योंकि जो पहला फर्स्ट रिएक्शन मुंबई पुलिस ने उनसे रिकॉर्ड किया था उसमें उन्होंने किसी पर शक नहीं जताया था। तो उसी एफिडेविट को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उस पर बीजेपी नेता शालिनी का जो है ये बयान आया है।